वेलकम टू माई चैनल। और आज ये डिमांड है मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर ने, जिसने बोला है क्राफ्ट बनाने। तो मैं सोची कि ऐसा क्राफ्ट बनाऊँ जो यूजुअल हो उसके लिए। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और ये कार्ड आपके घर पे वेस्ट मटेरियल के में ही यूज़ आता है, कोई यूज़ इसका है नहीं। तो आप इस कार्ड को ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर लो, कोई भी आप कलर लो, रेड लो, येलो लो, कोई भी कलर आप चूज़ कर लो। और ये फेविकोल ले लो, 10 रुपए की मिल जाएगी, बजट ज़्यादा नहीं रहेगा इसका। फोल्ड करने के बाद सीधे सीधे आपको इसमें ऐसे फेविकोल लगाना। बाद इसको इस तरीके से हैंड से ही प्रेस कर दीजिएगा और थोड़ा वेट करिएगा कुछ सेकंड का। तुरंत ओपन करने लगोगे तो फिर वो तो डैमेज हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, एक बॉक्स स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। उसके बाद वहाँ पर साइड साइड से गोद लगाना है। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से लगाना और लग जाएगा आराम से। पर हाँ, 2 सेकंड तक स्टिक करते रहना, 2-4 सेकंड तक। तुरंत अगर निकालने लगोगी तो फिर वो निकलने लगेगा। इसी तरीके से 2 मिनट वेट करो, उसके बाद देखो ये ड्राई हो चुका है और ये बॉक्स के फॉर्म में आ चुका है। फिर भी हम इसे टेप का यूज़ करेंगे साइड में, क्योंकि निकल सकता है यार, गोद है अगर लगा हुआ है या गोद, या ये तो फेविकोल मैंने लगाया है, ये अच्छा होता है। फिर भी हम सेफ्टी के लिए उस पर टेप लगा देंगे। और इस टेप को पहले मत कट करना, बाद में कट करना, पहले थोड़ा उस पर लगा लो, उसके बाद वो करेक्ट होगा। नहीं तो अगर पहले कट कर दोगी ना तो फिर वो अच्छे से नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखो, मैंने पहले नहीं कट किया, पहले हल्का सा उस पर लगा दिया, फिर उसके बाद कट किया। देखिए आराम से इस तरीके से लग जाएगा। ओके, उसके बाद इस तरीके से इसको प्रेस करना है जिससे पूरा अच्छी तरीके से स्क्वायर बन जाए। और आप किसी भी पेन कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ऐसे प्रेस करने के लिए, जिससे अच्छे से स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम इसको किसी भी पेपर को कट करेंगे। तो बेस के लिए मैंने ये पेपर लिया है, कार्ड लिया है। तो आप स्केल भी कर सकते हो, अगर आपके पास मेजरमेंट का गेस है कि आप हाँ अनुमान लगा ले रहे हो कि हाँ इतने पे ही होगा, तब तो ठीक है। मैं जैसे मुझे अनुमान था कि इतने पे हो जाएगा, पर तुम स्केल का यूज़ कर लेना। ओके, उसके बाद इसको कट करना है। अब इस फेविकोल से इसको स्टिक करेंगे, तो चलिए लगाते हैं। गोद लगाने के बाद साइड से भी मैंने एक बार लगाया है, फिनिशिंग आ गई थी। उसके बाद तो जो एक्स्ट्रा था मैंने एक्यूरेट नहीं कट पाया था, तो एक्स्ट्रा को बाद में काटेंगे क्योंकि अभी वो स्टिक कर जाए। उसके बाद तो स्टिक करने के बाद मैंने काट लिया था, और आप भी स्टिक करने के बाद एक्स्ट्रा जो रहेगा वो काट लेना। और कहीं कहीं से अगर आपको लगे फिनिशिंग में खराबी है या अच्छे से स्टिक नहीं किया फेविकोल, तो आप दोबारा उस जगह ये लगा लेना। ओके, इस टेप वाले एरिया को कवर करने के लिए मैंने लेस का इस्तेमाल किया है।
पर ये लेस मुझसे लग नहीं रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा। और आप जो इस अरे चमकीले वाले स्पार्कल वाली एक टेप आती है वो यूज़ कर लेना, शाइनिंग वाली आती है वो यूज़ कर लेना। साइड में तो लग गया था, पेपर पे स्टिक कर गया था, पर वो टेप पर नहीं स्टिक कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और मुझे ये बाद में पता चला। तो आप ऐसा मत करना, उस टेप वाले एरिया पे लेस मत लगाना। मैं लगाई हूँ लेस, और आप शाइन वाला टेप यूज़ कर सकते हो। और ये डेकोरेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पेंटिंग करें, पर बेस भी पूरा येल्लो था तो मैंने पेंटिंग का कोई सोचा नहीं। तो फाइनली ये लुक आया है। उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, उसके बाद ये आया कि आइडिया, यार चलो स्माइली बना देते हैं, स्माइली फेस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, इसलिए मैंने स्माइली बना दी। आप कुछ भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक पेंट लिया है जो भी ड्राई था, तो उसको पहले थोड़ा चेक कर रहे थे गीला है कि नहीं, थोड़ा पेंट को गीला रखना, थोड़ा पानी जैसा हो, और ब्रश को भी गीला रखना, उसके बाद वो ले लेना, डीप कर लेना। उसके बाद थोड़ा जिस तरीके से मैं स्प्रे कर रही हूँ हैंड से, उस तरीके से आप करिएगा तो थोड़ा सा एक बेस बन जाता है। इसमें मैं पेन रख रही हूँ और हाइलाइटर वगैरह रख रही हूँ, और आप इसमें फ्लावर भी रख सकते हो या स्टिकर वगैरह, जो भी आपके स्टेशनरी प्रोडक्ट रखते हैं वो सब इसमें आप रख सकते हो, या डेकोरेशन के लिए आप फ्लावर रख लो। और बेस मेरा बहुत गहरा है उसमें का, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा पेपर बेस के लिए यूज़ किया है, क्योंकि जो पेन है वो एकदम अंदर चला जा रहा था, तो मैंने थोड़ा हाइट कम करने के लिए उसमें पेपर यूज़ किया। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप फ्लावर के लिए यूज़ कर सकते हो और स्केच के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्लावर रख रहे हो तो उस बेस को पेपर से हटा देना, उसके बाद ये तैयार हो जाता है हमारा फाइनल लुक। और कैसा लगा ये क्राफ्ट ज़रूर बताना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो ज़रूर कमेंट में करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी ओल्ड आर्ट।